बुलंदशहर में तड़के सुबह युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि घटना को अंजाम देकर हत्या आरोपी फरार हो गए। बेखौफ हमलावरों ने घटना को मृतक के घर आकर अंजाम दिया। पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या के पीछे कारणों की जांच की जा रही है। ये तस्वीर सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खत्रीवाड़ा निवासी उस रामवीर की है, जिसकी आज तड़के ही हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। रामवीर के पिता का कहना है कि दो लोग सुबह बार बार घर बाहर स्थित दुकान से परचून का सामान मांगने आ रहे थे और घर का दरवाजा खोलने पर उन्होंने रामवीर की गोली मारकर हत्या कर दी। मैं सो रहा था, मतलब पहले तो 3-4 बार कुंडी खटखटाई मान के मुझे सामान लेना, मैं कहला भैया मैं सो रहा हूँ, मेरी बेटी अभी दो कल से मैंने कन्ने खिलाई है, मेरी मैंने खोल रखा माना मैं। फिर 10 मिनट बाद फिर आया, 3-4 बार आया वो। कौन था ये सब मेरे पहचानने में आया, डाटा उसने बांध रखा था, लाल बिस्किट पहन रखी थी और पतला पतला था। मैं कहला अगर तू ना मानना तुझे ना खुल दुकान खुली तो मैं चाबी देगा, मेरे बेटा तुम्हें चाबी दे दे, लड़का मेरे पीछे पीछे चल रहा पीछे पीछे। मैं कहला चल भाई क्या कर लिएगा तू भैया, मैंने कहीं दाल लूँगा, चीनी लूँगा, ये लूँगा, पत्ती लूँगा, चाय की। मैं कहला भैया कहाँ रह मैं तू कहेंगे बताया कहेंगे रहता हूँ। मैं कहला मैं तो तू पहली बार देखा, मैंने कभी देखा नहीं है। इसने मैं साहब मैंने ताला खोला, मैं ताला खोल के अंदर ही गया हूँ, इसने तो रामवीर का कहना भाई मूसा दुकान को मूसा उसने पीछे से यहाँ मारी गोली भाग जाना। एक आदमी था, कितने लोग थे गोली? यहाँ तो सब एक ही आदमी था, मैं लेकिन जब मेरी बेटी जब रामवीर की मैंने आवाज़ सुनी है, मैंने किवाड़ खोले, इसने तो वो गोली मार मुर का भाग गया, पर एक आदमी हमारी बेटी बता रही थी कि मोटरसाइकिल पर तैयार था वो। दो लोग थे, एक तैयार था और उसने गोली मारी। मतलब आपकी रंजिश चली आ रही है क्या? थी ये साहब रंजिश नहीं, ये इसका जो भंगी का रहता इससे कुछ उसी क्या नाम है? इसका नाम है आकाश। तो आपका ये शक है कि आकाश है? बिल्कुल इसी का शक है साहब, नाथ में जगह मैं झूठ निकलना, मैं बड़ा बुरा आदमी हूँ, इसी ने मेरे बेटे को मरवाया। मृतक के परिजन इस हत्या के पीछे अपने पड़ोसियों का ही हाथ बता रहे हैं। वहीं पुलिस अभी तक हत्या के पीछे के सही कारणों का पता नहीं लगा सकी और फिलहाल पुलिस ने पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आज सुबह लगभग 5 बजे थाना सिकंदराबाद के खत्रीवाड़ा मोहल्ले में हत्या की एक घटना हुई है। रामवीर उम्र लगभग 35 वर्ष थी, उसी के पड़ोसी आरोपी आकाश द्वारा गोली मारी गई है उसे। दुकान रामवीर चलाता था, चीनी लेने के बहाने से सुबह 5 बजे आकाश उसकी दुकान पर पहुंचा। दुकान और घर एक ही स्थान पे है। इसने आवाज़ लगाई कि मुझे चीनी लेना है। जब उसने दरवाज़ा खोला तो आरोपी आकाश ने गोली मार के रामवीर की हत्या कर दी। फिलहाल अब तहरीर प्राप्त कर ली गई है, अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, अभियोग की गिरफ्तारी के प्रयास जारी। बहुत जल्द पुलिस हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर इस पूरी घटना का खुलासा कर देगी। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी, Time24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।